वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विवियन सर्स कॉमर्स क्लासेस में। हाउ आर यू? होप सो यू आर डूइंग वेरी वेल। एज यू नो दैट वी हैव डिस्कस सम कंसेप्ट्स ऑफ यूनिट फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट इन प्रीवियस लेक्चर। जैसे कि अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस एंड आर्ट। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट के केवल हमने कल दो ही टॉपिक या दो ही पॉइंट डिस्कस किए थे, मैनेजमेंट एज ए साइंस एंड मैनेजमेंट एज ए आर्ट, और उनके कंक्लूजन के बारे में डिस्कस किया। टुडे वी विल डिस्कस फर्दर मोर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम दिस यूनिट। लेट स्टार्ट। इज मैनेजमेंट अ प्रोफेशन और नॉट? द नेचर ऑफ मैनेजमेंट गिव्स राइज टू एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेदर मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन और नॉट। One has to learn the meaning of profession, and we see it that profession is occupation requiring some significant body of knowledge. Profession क्या है भाई? एक प्रकार का occupation है जो कि significant body of knowledge की जिसमें जरूरत रहती है। अब profession के regarding यदि मैं बात करना चाहूँ दूसरे शब्दों में, it is a economic activities which is conducted by a person having some special knowledge and skills which is used impartially to serve various section of the society. एक प्रकार से प्रोफेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि एक पर्सन के द्वारा कंडक्टेड की जाती है, क्या करके? सम स्पेशल नॉलेज को एक्वायर करके, और जिसको वह यूज करता है डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करके और बदले में अपनी फीस टेकन करता है। नाउ वी सी दैट वेदर All the characteristics of profession are found in management or not? क्या management के अंदर profession की वो सभी प्रकार की features मिलती है या नहीं है, वो देखेंगे। Characteristics of profession, first जो characteristics है हमारी, well defined body of knowledge। यदि मैं बात करना चाहूं well defined body of knowledge की, profession के अंदर All profession are based on well-defined body of knowledge that can be acquired from education and training. सभी टाइप का जो भी profession होते हैं आपके, उन सभी में well-defined body of knowledge का होना जरूरी है जो कि acquire की जा सकती केवल और केवल education और training के माध्यम से। अब profession की इस characteristics को management के अंदर देखते हैं, क्या ये इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट का एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, वो भी प्रोफेशन की तरह ही। इट हैज इट्स ओन प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। इसके भी खुद के अपने भाई ये जो भी प्रिंसिपल हैं वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड हैं टोटली। दिस नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। भाई ये जो नॉलेज है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है मैनेजमेंट के अंदर, ये भी एक एक्वायर की जाती है डिफरेंट काइंड्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ऑल इंडिया मैनेजमेंट ऑफ एसोसिएशन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैनेजमेंट जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा ये एक्वायर की जाती है। सो ऑन दिस बेसिस मैनेजमेंट कैन बी एक्सेप्टेड एज ए प्रोफेशन। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं मैनेजमेंट एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज भी है। तो प्रोफेशन की फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर अप्लीकेबल होती है। सेकेंड जो फीचर्स है प्रोफेशन की, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री क्या होता है भाई? किसी भी प्रोफेशन के अंदर तब तक एंट्री नहीं हो सकती जब तक कि उसकी एक स्पेसिफिक डिग्री को एक्वायर नहीं कर लिया जाए या एक एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं कर लिया जाए। सो प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और एक्वायरिंग एन एजुकेशनल डिग्री। फॉर एग्जांपल डॉक्टर के प्रोफेशन के लिए एक डॉक्टर की डिग्री
जैसे कि MBBS, BMS को एक्वायर करना जरूरी है और उसके बारे में भी नॉलेज होना भी जरूरी है, ट्रेनिंग लेना भी जरूरी है। उसी प्रकार से लॉ प्रोफेशन है, उसमें भी लॉ की डिग्री का होना जरूरी है। तो क्या प्रोफेशन की ये करेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं? यदि हम बात करना चाहें मैनेजमेंट के बारे में, तो मैनेजमेंट इज कंसर्न एनी वन कैन बी अपॉइंटेड एज ए मैनेजर इरिस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब सीधी सी बात करना चाहूंगा तो किसी भी एंटरप्राइजेज के अंदर जो मैनेजर है वो अपॉइंट किया जा सकता है बगैर किसी प्रोसेस्ड क्वालिफिकेशन के, उसके पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे। तो इसके बेस पे या इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट को एज ए प्रोफेशन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन के अंदर एक प्रकार से क्या, प्रोफेशनल एसोसिएशन एक रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है जो कि हर काइंड के प्रोफेशन के लिए डिफरेंट काइंड के फंक्शन एक प्रकार से निर्धारित करता है, जैसे कि रेगुलेट एंट्री, भी किसी भी प्रोफेशन के अंदर रेगुलेट एंट्री करना, उनके मेंबर्स की पर्टिकुलर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे करके या एक एजुकेशनल डिग्री को प्रोवाइड करवा करके, जैसे कि ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, क्रिएटिव कोड ऑफ कंडक्ट, इन सभी काइंड्स की एक्टिविटीज को ये डिटरमाइन करता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। सो इंडिया के अंदर बहुत सारे हमारे प्रोफेशनल एसोसिएशन हैं, जैसे कि बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स के लिए, मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया फॉर डॉक्टर्स के लिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। सो प्रोफेशनल एसोसिएशन की हम ये जो करेक्टरिस्टिक्स है प्रोफेशनल एसोसिएशन प्रोफेशन की, हम देखेंगे क्या मैनेजमेंट के अंदर ये प्रेजेंट है या नहीं। फॉर मैनेजर्स ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन हैज बीन सेटअप। भाई मैनेजर्स के लिए भी ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का सेटअप हो चुका है, लेकिन ये एसेंशियल नहीं है, ये इनके किसी प्रकार के बिहेवियर को कंट्रोल करने का कार्य नहीं करता, कंपल्सरी नहीं है, लीगल कंपल्सन नहीं है कि जरूरी नहीं कि हर एक पर्सन या हर एक मैनेजर को इसका मेंबर होना। ऑन द बेसिस मैनेजमेंट कांट बी एक्सेप्टेड एज ए प्रोफेशन। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर प्रोफेशन की करेक्टरिस्टिक इंक्लूड नहीं होती है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में मेंबर्स ऑफ ए प्रोफेशन आर बाउंड टू फॉलो ए कोड ऑफ कंडक्ट। अब जो भी मेंबर ऑफ प्रोफेशन होते हैं वो टोटली बाउंड होते हैं क्या करने के लिए, किसी भी प्रोफेशनल एसोसिएशन के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने के लिए। कोड ऑफ कंडक्ट क्या क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होता है भाई, रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइन जो कि प्रोवाइड करवाई गई है प्रोफेशनल एसोसिएशन के द्वारा अपने प्रोफेशनल के बिहेवियर को कंट्रोल करने का कार्य करता है, जैसे कि प्रोफेशनल लाइक लॉ, मेडिकल एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये जो भी इनके रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं इनके बिहेवियर को कंट्रोल करने का कार्य करता है, उनको रेगुलेट करने का कार्य करता है। सो प्रोफेशन की जो करेक्टरिस्टिक्स है क्या मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। मैनेजमेंट कंसर्न इज देयर इज नो सच कोड ऑफ कंडक्ट हैज बीन लेड डाउन। भाई मैनेजमेंट के अंदर किसी प्रकार का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं पाया जाता है। ऑन दिस बेसिस इट कैन बी असर्टेड दैट मैनेजमेंट इज नॉट एट ऑल ए प्रोफेशन। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। सर्विस मोटिव, प्रोफेशन एक प्रकार से जनरली देखते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है भाई, जिनका भाई पर्पज लिविंग स्टैंडर्ड अर्न करना होता है, एक प्रकार से टू अर्न मनी करना होता है। लेकिन मेन मोटिव जो प्राइम मोटिव है किसी प्रोफेशन का, सर्व द सोसाइटी डिफरेंट सेक्शन की। फॉर एग्जाम्पल के लिए नो डाउट अ डॉक्टर फॉलोज हिज प्रोफेशन फॉर हिज लिविंग। कोई भी एक डॉक्टर जो है अपने प्रोफेशन को अडॉप्ट करता है वो एज ए मनी को जनरेट करने के लिए करता है, लेकिन वो ये भी इंश्योर करेगा इसके साथ साथ में कि पेशेंट्स जो भी है उसके उनका अच्छी प्रकार से क्योरनेस कर सके। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन वी सी दैट मैनेजमेंट के अंदर ये फीचर इंक्लूड होती है या नहीं होती है। अब जनरली हम क्या देखते हैं कि मैनेजमेंट का भी मैक्सिमम जो भी प्रॉफिट अर्न करने का एक प्रकार से बेसिक ऑब्जेक्टिव रहता है, लेकिन आजकल
ये एक प्रकार से सही नहीं रहा है, क्योंकि आजकल भाई एनवायरनमेंट हमारा लगातार चेंज हो रहा है बिजनेस का, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की वो क्या लगातार स्ट्रेस एक प्रकार से इंक्रीज होने लग रही है कि हर टाइप की हर काइंड की ऑर्गेनाइजेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ भी ध्यान देने लग रही है। सो ऑन दिस बेसिस ऑफ दिस पॉइंट ऑफ व्यू देयर शुड बी नो हेजिटेशन टू एक्सेप्ट मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। सो हमने फीचर ऑफ प्रोफेशन के बेस पे देखा है कि प्रोफेशन की फीचर कौन कौन सी मैनेजमेंट के अंदर अप्लाइड होती है और कौन कौन सी नहीं होती है। जैसे वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, मैनेजमेंट के अंदर अप्लाइड होती है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन और एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ये तीनों ही फीचर्स इसमें एप्लीकेबल नहीं होती मैनेजमेंट के अंदर। एंड सर्विस मोटिव को अप्लाइड किया जाने लगा, पहले नहीं किया जाता था लेकिन अब इसको अडॉप्ट किया जा रहा है धीरे धीरे करके। सो ऑन द बेसिस ऑफ द अबव स्टडी वी कैन से दैट अबाउट द कंक्लूजन ऑफ मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन और नॉट। तो मैनेजमेंट फुल फ्लेज प्रोफेशन अभी नहीं है, क्यों? क्योंकि कुछ फीचर्स तो प्रोफेशन की इसमें अडॉप्ट की जा रही है और कुछ का भी किया जाना बाकी है, अभी उनमें डेवलपिंग होना बाकी है। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन इज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी, एक प्रकार से इन्फेंसी जो मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन है वो भी अपनी आरंभिक अवस्था में है, जिसमें भाई अभी डेवलप होना बहुत ज़्यादा बाकी है। सो इस आधार पर हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मैनेजमेंट फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे यदि मैं बात करना चाहूँ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट को समझने से पहले हमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी के बारे में जानेंगे। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे दो प्रकार के लेवल होते हैं इसमें अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैनेजरी लेवल और नॉन मैनेजरी लेवल। तो मैनेजरी लेवल के अंदर इंक्लूड किया जाता है हर काइंड के मैनेजर्स को, जैसे कि आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और नॉन मैनेजरियल के अंदर आपका भाई वर्कर्स आता है जो केवल मैनेजर के ऑर्डर को फॉलो करने का कार्य करता है। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का सबसे पहला पॉइंट आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये अपने अंदर कंसिस्ट करता है चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर जितने भी आपके मेजरली मेंबर्स रहते हैं उनका मेन टास्क क्या रहता है कि कंपनी का स्ट्रक्चर स्ट्रोंग करना, कंपनी के लिए स्ट्रोंग पॉलिसी बनाना, ताकि जो भी बिजनेस का प्राइम ऑब्जेक्टिव है टू मेक मोर एंड मोर प्रॉफिट अर्न मनी, उसको अच्छी तरह से अचीव किया जा सके। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर जितने भी आपके मैनेजर्स होते हैं वो अपनी होल कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, होल सबॉर्डिनेट्स के वर्किंग क्राइटेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि वे ही एक प्रकार से बैकबोन रहते हैं कंपनी के लिए। तो ये कौन कौन से फंक्शन को कंप्लीट करने का कार्य करते हैं, इंटीग्रेटिंग डाइवर्स एलिमेंट। एक प्रकार से जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के मेंबर्स होते हैं वो जितने भी कंपनी के डिफरेंट काइंड एलिमेंट्स होते हैं उन सभी को इंटीग्रेट करने का कार्य करते हैं। भाई एक प्रकार से ये देखते हैं कि इस प्रकार से भाई अलग अलग सोर्सेज को इकट्ठा करके उन सभी को एक साथ एक प्लेटफॉर्म के नीचे ला करके कैसे उनको असेंबल करना है, किस प्रकार से भाई उन सभी को एज ए कंपनी के टारगेट को अचीव करने के लिए यूज करना है। नेक्स्ट वन टेकिंग केयर फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन मेंबर्स का सबसे मेन कार्य क्या रहता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले सर्वाइवल के तौर पर प्रेजेंट करना मार्केट के अंदर, इतनी अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को एटलीस्ट निकालना कि उनका स्थायित्व मार्केट के अंदर बना रहे, और वेलफेयर करने का भी कार्य इनका रहता है, जैसे इंप्लॉय का वेलफेयर करना, भाई मार्केट के अंदर जो भी इन्वेस्टर है उनका ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर करना, और जितने भी अदर सोर्सेज हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं उन सभी का वेलफेयर करना, क्योंकि उनका वेलफेयर होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का अपने आप ही वेलफेयर होता चला जाएगा। इसके बाद है एनालाइजिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, लगातार बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना। बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज किस प्रकार से कर सकते हैं कि लगातार रूटीन बेस पे ये चेक करते रहना कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है फर्म के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कंप्लीट हो रही है नहीं हो रही है,
रिसोर्सेज का अच्छी प्रकार से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, बजट को अप्रूव करना, क्या फाइनल बजट एक प्रकार से कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है या नहीं है, उसको भाई लगातार मॉनिटरिंग करते रहने का कार्य भी बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर होता है आपका। फॉर्मुलेटिंग ओवरऑल गोल्स एंड स्ट्रेटजीज, लगातार कंपनी के टारगेट को अचीव करने के लिए लगातार नई नई पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज तैयार करना, जिससे कि कंपनी का जो टारगेट है या गोल्स है आसानी से अचीव हो सके। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, हर काइंड्स की एक्टिविटीज जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रकार से कंप्लीट की जाती है, उन सभी के रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना, यानी सबॉर्डिनेट्स के लिए जो को भी टास्क प्रोवाइड कराएंगे उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट के मेंबर्स के ऊपर होती है। इसके बाद आता आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर किन किन को इंक्लूड किया जाता है? डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर, ऑपरेशंस फंक्शनल मैनेजर, डिविजनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर, प्लांट सुपरिंटेंडेंट। तो इन सभी पर्सन को इंक्लूड किया जाता है जो कि एक प्रकार से लिंक का कार्य करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में। जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अपनी पॉलिसी फ्रेम करी है, उनको इंटरप्रेट कराने का कार्य करते हैं मिड लेवल मैनेजमेंट के मेंबर्स। इसके फंक्शन देखते हैं, इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज। तो इन दिस लेवल पॉलिसीज फ्रेम बाय टॉप लेवल मैनेजर्स आर इंटरप्रेटेड। एक प्रकार से मिडिल लेवल के जो भी मेंबर्स होते हैं उनका मेन कार्य क्या रहता है भाई, कि जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसी फ्रेम कर दी है उसको इंटरप्रेट करने का कार्य करना। यानी जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि कंपनी के अंदर जो एक प्रकार से ये कह दिया कि कॉस्ट क्रेडिट सेल्स मेड नहीं करनी है, तो उसी को जो मार्केटिंग मैनेजर हैं या जो भी सेल्स मैनेजर हैं आपके, उसी पॉलिसी को सेल्समैन या मार्केटिंग जो पर्सन होते हैं उनको सेल्स पॉलिसी के बारे में एक प्रकार से बताना कि कंपनी की सेल्स पॉलिसी क्या है। इसके बाद अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज, एवरी डिपार्टमेंटल मैनेजर अपॉइंट्स एम्प्लॉइज टू फुलफिल द एक्टिविटीज ऑफ हिज डिपार्टमेंट। हर काइंड्स का कोई भी डिपार्टमेंटल मैनेजर हो वो अपने नीचे सबॉर्डिनेट्स एम्प्लॉइज को अपॉइंट करने का कार्य भी करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को आसानी से अचीव किया जा सके। असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज, डिपार्टमेंटल मैनेजर डायरेक्ट देयर सबॉर्डिनेट्स अबाउट व्हाट टू डू, हाउ दे टू डू इट एंड व्हेन दे डू डू इट। यानी हर प्रकार का जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होता है वो लगातार अपने सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्ट करने का कार्य करेगा कि किस प्रकार से उनको क्या कार्य करना है, कैसे करना है और कितने समय में करना है और क्या क्या उनके टारगेट रहेंगे, ये सब कुछ डिटरमाइन करने का कार्य डिपार्टमेंटल मैनेजर करते हैं। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं वो लगातार अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का भी कार्य करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो आसानी से इफिशेंटली तरीके से अचीव किया जा सके। क्रिएटिंग ऑपरेशन, एक प्रकार से जो भी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं भाई कंपनी के ऑब्जेक्टिव को आसानी से अचीव करने के लिए, सक्सेसफुली अचीव करने के लिए डिफरेंट सेक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑपरेशन क्रिएट करने का कार्य करते हैं। एंड लास्ट वन है लोअर लेवल और सुपरवाइजरी लेवल, जिसको हम ऑपरेशनल मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंदर मोस्टली जो इंक्लूड होते हैं वे हमारे मेंबर्स, फोरमैन, सुपरवाइजर्स, सुपरिंटेंडेंट, क्लर्क, सब डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव्स, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। अब इनका मेन फंक्शन क्या रहता है, ये डायरेक्टली वर्कफोर्स से जुड़े हुए होते हैं और एक प्रकार से डायरेक्टली वर्कफोर्स से जुड़े होने के कारण ये हर प्रकार के जो भी ग्रीवेंसीज है वर्कर्स की या किसी प्रकार का सजेशन है वर्कर्स का उनको डील करने का कार्य भी करते हैं। सो इसके मेन कौन कौन से फंक्शन रहेंगे, ओवरसीज एफर्ट्स ऑफ एक्चुअल वर्कफोर्स, जो सुपरवाइजर्स हैं वो डायरेक्टली ओवरसीज देखेंगे भाई किस प्रकार का एक्चुअल वर्कफोर्स है और उनको प्रॉपरली गाइड करने का कार्य भी करते हैं। इंटरेक्टिंग विद द एक्चुअल वर्कफोर्स, सुपरवाइजर या जो भी फॉरमैनशिप होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो डायरेक्टली एक प्रकार से इंटरेक्ट रहते हैं और लगातार उनको गाइड करने का कार्य करते हैं वर्कर्स को कि जो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट के माध्यम से उनको मिली है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को, उनको लगातार इंटरेक्ट कराने का कार्य भी करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को आसानी से अचीव किया जा सके। एंश्योरिंग क्वालिटी एंड मिनिमाइजिंग वेस्टेज,
भाई सुपरवाइजर जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हैं वे लगातार ये इंश्योर करने का कार्य करते हैं कि क्वालिटी ऑफ आउटपुट हमेशा ही बना रहे और वेस्टेज ऑफ मटेरियल कम से कम हो। मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड लगातार वर्कफोर्स के रिगार्डिंग सेफ्टी जो भी स्टैंडर्ड हैं उनको मेंटेन करने का कार्य करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को कंप्लीट कर चुके हैं और इसका जो नॉन मैनेजरी लेवल्स है वो केवल इंक्लूड्स करता है वर्कर्स को, और इसका मेन फंक्शन क्या रहता है इन वर्कर्स का, वर्क डायरेक्टली ऑन द जॉब, यानी कि डायरेक्ट तौर पे जॉब करना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छी प्रकार से अपना टास्क कंप्लीट करना, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर ने उनको प्रोवाइड करवाया टास्क उसको कंप्लीट करने का कार्य है नॉन मैनेजरल लेवल्स का होता है। ये किसी को ऑर्डर देने का कार्य नहीं करते, केवल ऑर्डर को फॉलो करने का कार्य करते हैं जो कि सुपीरियर से उनको मिला है। इसके बाद हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, अब देखिएगा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शन है, यानी हर एक के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ना कुछ एक्टिविटीज रहती हैं और वो एक्टिविटीज किसी स्पेशल एक प्रकार से यदि मैं बात करना चाहूँ तो उसके लिए कोई ना कोई प्रोसेस होता है, कोई ना कोई एक्टिविटीज होती है। तो मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, लगातार क्या है जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का कार्य है ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट करते हैं। कि जो फाइव फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो जनरली देखते हैं मैनेजमेंट फंक्शन का जो हमारा सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग, थिंकिंग बिफोर डूइंग, यानी कि एडवांस में सोचना, कुछ भी करने से पहले सोचना कि किसी भी कार्य को एक अच्छी प्रकार से कंप्लीट करने के लिए कैसे उस कार्य को करना है, क्या कार्य करना है, कब करना है और किसके द्वारा वो कार्य करवाया जाना, क्या वो जो कार्य करने वाला खुद करेगा या किसी दूसरे पर्सन से कराएगा, तो उसके बारे में एडवांस में सोचना, अपना एक प्रकार की इस प्रकार की प्लानिंग करना कार्य करने की ताकि वो काम अच्छी प्रकार से हो सके। एक प्रकार का जो हम देखते हैं तो प्लानिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले कोई भी जब प्लान तैयार किया जाता है उसका ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, भाई मेन ऑब्जेक्टिव के बगैर कोई भी प्लानिंग अपने आप में अधूरी है। डेवलपिंग प्रीमिसेस करते हैं, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन डिटरमाइन करते हैं, इवेल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज करते हैं, सिलेक्टिंग एंड अल्टरनेटिव्स करते हैं, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, फॉलो एक्शन, ये सब कुछ स्टेप हैं जो प्लानिंग के अंदर हमारे इंक्लूड किए जाते हैं। इसके बाद यदि बात करना तो मैं ऑर्गेनाइजिंग की, ऑर्गेनाइजिंग एक प्रकार का क्या है भाई, हारमोनियस एडजस्टमेंट है जो कि वेरियस पार्ट्स को एक प्रकार से डिटरमाइन करने का कार्य करता है, क्या करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। जैसे कि हमें पता है हमने प्लानिंग में केवल एक पेपर वर्किंग किया था कि कुछ एक्टिविटीज करने के लिए उसको एडवांस में थिंकिंग किया था, और अब इसके बेस पे हम क्या एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का कि कोई भी जो हमने प्लान तैयार किया है ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो किस प्रकार से कंप्लीट किया जाएगा, उसके बारे में एक अपना क्या डिटरमाइन करेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे भाई किस प्रकार से टास्क किया जाना चाहिए, रिसोर्सेज कैसे असेंबल होंगे, आपके वर्क को कैसे हमने डिवाइड करना है, कैसे डिपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे और ड्यूटीज कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो ये अलग अलग भाई जैसे डिपार्टमेंट का कार्य होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक होल टास्क को भाई डिविजन ऑफ वर्क कर दिया जाता है। इसके बाद मैनेजमेंट का जो थर्ड फंक्शन है स्टाफिंग, डिप्लॉइंग पीपल ऑन रिक्वेस्टेड जॉब्स, मीन्स फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोस्ट विद पीपल, यानी लगातार कंपनी की पोस्ट को पीपल से फिलअप हुए रहने देना और लगातार फिलअप करना है। स्टाफिंग के बेस पे हम क्या देख सकते हैं कि भाई जैसे कि हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेरियस स्ट्रक्चर वेरी पोस्ट हमने एक प्रकार से प्रिपेयर की थी, अब उन पोस्ट को एक प्रकार से पीपल से क्या करना है, फिलअप करना है ताकि इन पोस्ट के ऊपर अपनी जॉब को अच्छे प्रकार से परफॉर्म कर सकें। तो डिफरेंट काइंड से क्या है भाई उनको पीपल को एक प्रकार से फिलअप करने का कार्य किया जाता है, जैसे कि सिलेक्शन करके उनका उनको अच्छे प्रकार से ट्रेनिंग देकर ताकि वे ऑर्गेनाइजेशन के टास्क के लिए परफेक्ट हो जाएं और अपने अच्छे प्रकार से ड्यूटी को भाई कंप्लीट करने का कार्य करें। इसके बाद मैनेजमेंट का जो फंक्शन है डायरेक्टिंग, भाई डायरेक्टिंग एक प्रकार से एक मैनेजर लगातार अपने सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्ट करने का कार्य करता है, इंस्ट्रक्टिंग करके, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को आसानी से अचीव किया जा सके।
इसके मेन एलिमेंट्स आपके चार होते हैं भाई, आपके सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। तो सुपरविजन में तो लगातार सबॉर्डिनेट्स के प्रोग्रेस ऑफ वर्क को मॉनिटरिंग करने का कार्य करता है और उनको टाइम टू टाइम प्रॉपरली गाइडेंस देने का भी कार्य करता है। कम्युनिकेशन में क्या आता है भाई, एक प्रकार से ट्रांसफरिंग आइडिया, फीलिंग्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन, जो कि आसानी से समझी जा सके या समझाई जा सके। इसके बाद आपका लीडरशिप, लीडरशिप भाई इन्फ्लुएंस करता है दूसरों को, यानी कि कोई भी व्यक्ति जब दूसरों को अपने इच्छानुसार कोई कार्य करवाना चाहता है तो उसको हम लीडरशिप बोलते हैं, और वे तुरंत उस कार्य को करने के लिए तैयार भी होने चाहिए। मोटिवेशन एक प्रकार का प्रोसेस है जो कि पीपल को एक्साइट करने का कार्य करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे अचीव किया जा सके। एंड लास्ट वन है कंट्रोलिंग भाई। कंट्रोलिंग क्या होता है, एक प्रकार से जो डिजायर रिजल्ट्स और एक्चुअल रिजल्ट्स उनके डिफरेंस को भाई कम करने का कार्य करता कंट्रोलिंग। मीन्स दैट यदि मैं कहना चाहूँ कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने जो टारगेट सेट कर रखे थे और अभी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस चलने लग रही है उनके बीच के डिफरेंस को कम करना कंट्रोलिंग है। तो इसके कुछ आपके स्टेप होते हैं, सेट स्टैंडर्ड बाय विच परफॉर्मेंस विल बी मेजर्ड। एक प्रकार से सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड डिटरमाइन करना, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस लगातार करना, कंपैरिजन करना एक्चुअल परफॉर्मेंस की स्टैंडर्ड के साथ, एनालाइजिंग डेविएशन देखना कि भाई जो भी डिफरेंस आया है आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड के साथ उनके बीच का क्या करना, एक प्रकार से कंपैरिजन करना, और फिर बाद में यदि कोई डेविएशन आ रहा है तो उनको एनालाइज करना भाई कहाँ पे वर्क में कमी रह गई, क्यों टारगेट स्टैंडर्ड के साथ मैच नहीं हो रहे हैं हमारे, और उसके बाद टेकिंग करेक्टिव एक्शन करना यदि किसी प्रकार की कोई कमी या कोई प्रॉब्लम है टास्क के रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग एक प्रकार से करेक्टिव एक्शन लेना। इसके बाद हमारा आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक प्रकार से सिंक्रोनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। मींस दैट एक प्रकार से प्रोसेस है कोऑर्डिनेशन जो कि हारमोनी को सेटअप करने का कार्य करता है डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुली अचीव किया जा सके। बात करना चाहूँ दूसरे शब्दों में तो एक प्रकार का प्रोसेस है कोऑर्डिनेशन जो कि विच हारमोनी इज सेटअप अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैन बी सक्सेसफुली अचीव्ड। कोऑर्डिनेशन एसेंस है मैनेजमेंट के लिए, क्यों, क्योंकि वो इंडिविजुअली एफर्ट्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉई होते हैं उनके इंडिविजुअली एफर्ट्स को अचीवमेंट करने का कार्य करवाते हैं, और ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को आसानी से अचीव किया जा सके। इसके बाद इसके फीचर्स आते हैं, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, एक इंडिविजुअल पर्सन का टास्क ना होकर के ये ग्रुप एफर्ट्स हैं भाई, कंपनी का जो भी होल टास्क होता है उसको एक किसके माध्यम से कंप्लीट किया जाने का प्रयास किया जाता है, ग्रुप एफर्ट्स के द्वारा। और कोऑर्डिनेशन डज नॉट अराइज, अपने आप में अराइज नहीं होता है, इफ द जॉब इज डन बाय वन पर्सन ओनली ये अपने आप में अराइज नहीं होगा, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके एम्प्लॉयज हैं यदि वे सभी मिलकर के आपस में कार्य करेंगे तो कोऑर्डिनेशन अपने आप ही इस्टेब्लिश हो जाता है। इसके बाद है एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन भाई, कोऑर्डिनेशन ये भी एंश्योर करने का कार्य करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल परचेज एंड सेल्स जो भी डिपार्टमेंट है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि सप्लाई ऑफ गुड्स केवल कब उनका प्लेस ले सकती है अकॉर्डिंग टू देयर परचेज ऑर्डर के अनुसार। फिर है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कोऑर्डिनेशन, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन के आपके स्टेप टू स्टेप टारगेट डिटरमाइन किए जाएंगे तब तब आपका कोऑर्डिनेशन लगातार चलता रहेगा, क्योंकि बिजनेस वर्क ऐसा है जो कि नए नए अपने टारगेट डिटरमाइन करता रहता है और आगे बढ़ने की ओर अग्रसर होता है। तो उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। कोऑर्डिनेशन एक प्रकार से ऑल प्रिवेसिव फंक्शन है भाई, ये हर प्रकार के हर जगह जिस प्रकार से मैनेजमेंट को हर टाइप के जगह यूज किया जा सकता था तो उसी प्रकार से कोऑर्डिनेशन को भी हर जगह हर काइंड की चाहे वो बिजनेस या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो हर जगह इसको यूज किया जा सकता है। एक प्रकार से कह सकते हैं हम हॉस्पिटल हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, हर जगह इसको यूज किया जा सकता है। कोऑर्डिनेशन एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी मैनेजर्स की, क्योंकि
कोऑर्डिनेशन के बेस पे ही क्या है भाई, एवरी मैनेजर जो है पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है और उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि किस प्रकार से वो कोऑर्डिनेट करे अपने एम्प्लॉयज को, कैसे भाई वो लगातार अपने एम्प्लॉयज के बिहेवियर को कंट्रोल करे और कैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करे कि ज्यादा से ज्यादा भाई कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश हो सके इसके सबोर्डिनेट्स के बीच में या एम्प्लॉयज के बीच में। कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन, कोऑर्डिनेशन एक प्रकार से जानबूझकर किया जाने वाला फंक्शन है। यदि मैं इसके इंपॉर्टेंस की बात करना चाहूँ तो कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस में ग्रोथ इन साइज, जैसे जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आपका जो बिजनेस का साइज है वो बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन भी आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। इसके बाद फंक्शनल डिफ्रेंशिएशन, यदि मैं बात करना चाहूँ तो वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतने अधिक ही उनके अंदर डिपार्टमेंट्स होंगे और उन सिचुएशन में एक मेन हाइड्रेंसिस क्या निकल के आता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसको इजी बनाने के लिए उनके आपस के भाई क्लैशेस को दूर करने के लिए डिपार्टमेंट्स के कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में जरूरी हो जाता है। फिर है स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन जैसे जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्पेशलाइज पर्सन होगा वो क्या करेगा अपनी एक्टिविटीज को आसानी से कर पाएगा और एक मेन एक्टिविटीज को सब एक्टिविटीज के अंदर आसानी से डिवाइड कर सकता है, ताकि वो पर्सन जब जब उस टास्क को करने का कार्य करेगा तो उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाएगा और उसको अच्छी प्रकार से कंप्लीट करने का कोशिश करेगा और ये भी देखेगा कि हर काइंड की एक्टिविटीज जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो इफेक्टिव और इफिशियंटली तरीके से डन की जाए। अब देखिएगा जो इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, एक प्रकार से जो इम्पॉसिबल जो वर्क होता है उसको पॉसिबल करने का कार्य है केवल और केवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन के आधार पर ही हो सकता है। जैसे 2+2=5 वैसे तो मैथमेटिकल टर्म्स में देखते हैं तो इम्पॉसिबल है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन के आधार पर हम इसको आसानी से सेटअप कर सकते हैं, पॉसिबल बना सकते हैं। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, अब देखिएगा ये जो आपका कोऑर्डिनेशन है एक प्रकार से मैनेजमेंट के लिए एसेंस है। यदि मैं बात करना चाहूँ तो मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन एज ए सोल की तरह कार्य करना, एक आत्मा है इसकी, यानी विदाउट कोऑर्डिनेशन के मैनेजमेंट अपने आप में कोई भी फंक्शन अच्छी तरह से डिटरमाइन कर ही नहीं पाएगा। जैसे कि मैनेजमेंट के अंदर आपके 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सभी को इंक्लाइंड किया जाता है, एक जोड़ा जाता है किसके साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ। अब कुछ एक्सपर्ट्स तो कोऑर्डिनेशन को भाई मैनेजमेंट का 6 फंक्शन मानते हैं और कुछ मॉडर्न जो भी आपके मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं भाई इसको मैनेजमेंट का 6 फंक्शन ना मानते हुए एक प्रकार से जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं उन सभी का बेस मानते हैं कि विदाउट कोऑर्डिनेटिंग के कोई भी मैनेजमेंट का फंक्शन आप में कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन एक प्रकार से क्यों एसेंस होता है मैनेजमेंट के लिए, देयर इज नो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच कैन बी अकॉम्प्लिश्ड इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन और विच डज नॉट मेक एफर्ट टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन। भाई एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन अपने आप में सेट नहीं होता है, जब जब कोई मैनेजमेंट के अंदर किसी प्रकार का कोई भी फंक्शन किया जाएगा तो कोऑर्डिनेशन अपने आप ही सेटअप हो जाता है। जब भी प्लानिंग की जाएगी मैनेजमेंट स्टाफ अपने आप में ही कोऑर्डिनेशन सेटअप हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जैसे जैसे ये एक्टिविटीज आगे बढ़ती जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन अपने आप इन एक्टिविटीज के साथ क्या हो जाएगा ऐड होता चला जाएगा। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन की हर एक लेवल पे जरूरत रहती है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो। क्यों रहती है भाई, ड्यू टू इंटरडिपेंडेंट नेचर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। भाई इन कोऑर्डिनेशन की इन सभी लेवल्स के ऊपर क्यों जरूरत रहती है, क्योंकि वो इंटरडिपेंडेंट नेचर का होता है वेरियस डिपार्टमेंट्स के अंदर, वो एक प्रकार से इंटीग्रेट करने का कार्य करता है वेरियस डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स और डिफरेंट लेवल्स के बीच में। तो कोऑर्डिनेशन सभी मैनेजर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, यानी 3 टाइप के आपके लेवल्स ऑफ मैनेजर आपके मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल, और इन सभी के अंदर आपका क्या कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज हमने हमारी फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट किया है। फर्दर हम इसके कुछ क्वेश्चन
नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, वो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन और वन मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे हमारी यूनिट्स के बेस पे। थैंक्स। और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो VVN कॉमर्स क्लासेस को आपने ही आगे बढ़ाना है, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को के बटन को दबा करके भाई लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी लें। थैंक यू।